देश की राजधानी दिल्ली के संगम पार्क इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर ओला कैब ड्राइवर को बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल कैब ड्राइवर पेशाब करने के लिए संगम पार्क इलाके में रोड पर गाड़ी खड़ी करके रुका ही था कि उसके पास कुछ बदमाश आए और जबरन लिफ्ट मांगा। मना करने पर उसकी जांग पर चाकू से वार किया और ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों को वहां पर मौजूद लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, जिसमें से एक पकड़ा गया और पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। अरे मेरे लाला, तो चीना जब ती करी जन क्या करा, तो इन लड़कों ने मारा चक्कू से। कितने बच्चे वगैरह, कितने इनके? दो बच्चे। अच्छा, आप लोग रहते कहाँ पे हैं? पुलिस ने कुछ किसी को गिरफ्तार किया इसमें? बता रहे हैं दो जन इनको पकड़ा है। तो कुछ ये पता लगा आपको, लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी? कुछ ना पता मुझे तो। मृतक युवक की पहचान विपिन कुमार के रूप में हुई है, जो कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का रहने वाला है। सरेआम कुछ लोग ओला कैब ड्राइवर को चाकू मारते रहे और पीटते रहे, मगर लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। हालांकि चाकू मारने के बाद जब बदमाश भागने लगे, तो कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाकर एक बदमाश को जरूर पकड़ लिया, लेकिन इस घटना से संगम पार्क इलाके में भय का माहौल हो गया। तो हम लोग जब देखो हल्ला मचा ना कि भाई चाकू मार दे, तो हमने देखा तीन बंदे पार्क में से भाग के जा रहे हैं, और शायद इसको फोन की नंबर फोन का और पर्स का कुछ या कुछ पैसे मांगे। कुछ सुनने में आया कि उस बंदे से कुछ वो पैसे मांग रहे थे कि भाई हमें जो तेरे पास है वो हमें दे दे। उस बंदे ने नहीं दिया और एक हमारे यहीं का बंदा था, उसने उस बंदे को पकड़ के पुलिस के हवाले किया। बस मुझे इतना ही पता है, मैंने यही देखा था कि बंदे को सरेआम यहाँ पे चाकू मार दिया और कुछ उसके फोन वोन दे था। कितने लोग थे जो चाकू मार रहे थे? पहले उसका मोबाइल पर्स छीन रहे थे। हाँ, पहले उसका मोबाइल छीना। हाँ। कुछ सुनने में आया कि कुछ पैसे पूछे उससे मांगे, तो वो टॉयलेट अंदर जो कर रहा था। हाँ। जैसे वो बाहर आया उसकी पीछे चाकू मार दी, एक चाकू उसकी थाई पे मारा और एक चाकू उसकी साइड में साइड में। इस पूरे मामले में थाना भरतनगर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान ताजिम और बजरंगी के रूप में हुई है, जो कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के रहने वाले हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए शहजादा हाशमी की रिपोर्ट।